हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और पीछे का जो सीन है वो अच्छा हो गया है, और कल के ब्लॉग को इसलिए डाल नहीं पाया क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाया था, रात में बहुत लेट हो गया था और मैं सुबह सोया अभी 4 बजे हूँ तो अभी नींद पूरी नहीं हुई है। बट कॉलेज जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम है, अब पता नहीं क्या काम है। आई थिंक प्रैक्टिकल से पहले कुछ बताना वगैरह होगा कैसे करना है क्या करना है, दैट्स व्हाई। बाकी तो आई डोंट थिंक सो कुछ होगा क्योंकि कल हमारा पहला प्रैक्टिकल है हॉस्पिटल फार्मेसी का, उसके बाद 3 और हो जाएंगे, वो शायद 8-9 10 को होंगे, ऐसे कुछ हो जाएगा, अभी पता नहीं है डेट मेरे को इतने अच्छे से। तो फटाफट रेडी होते हैं क्योंकि टाइम अभी ऑलरेडी 10:30 हो चुका है, मेरे को रेडी होकर जाना भी है, चाय वाय कुछ भी नहीं पिया, तो लेट्स गो। वो तो मैं उठने वाला भी नहीं था, वो तो प्रज्ञा का फ़ोन आया कि कॉलेज जाना है, तो मैं उठ गया, वरना तो मेरी सुबह 12 बजे ही होती। तो अभी चलते हैं, कुछ भी कहो ये सीन जो है ना अच्छा लग रहा है बहुत। थैंक यू सो मच प्रज्ञा पांडे, ये पूरा सिस्टम अच्छा लग रहा है, लाइटिंग अच्छी हो जाती है। और अगर मैं ऑफ कर दूँ लाइट थोड़ी सी तब भी ऐसा नहीं है कि कुछ खराब लगेगा, तो खूब भालो। सो वी ऑलरेडी लेट और लेट हो रहे हैं। टाइम क्या हो रहा है अभी? 11:13। जाना कितना बजे था? हमें 11 बजे पहुंचना था। टाइम बट ऑलमोस्ट 11:15 तक तो सब आ ही जाए, मतलब 11:15 तो लग ही जाएगा। दोस्त आते रहे हमारे भाई बंधु, तो हम थोड़ा ना लेट है, फिर हम तो और टाइम पे ही है, हमें तो पता भी नहीं था जाना है। क्यों बुलाया? I think practical होगा। और गर्मी इतनी है कि निकलने का मन करता नहीं है, और इतनी धूप में कौन बोले। तो अभी हम पहुंच गए कॉलेज, देखते हैं क्या हो रहा है। ज़्यादा हो नहीं रहा था तो मैंने छोड़ा कि तो मैं सोचा चलते लाइब्रेरी, वीडियो एडिट कर देंगे और प्रैक्टिकल फाइलें वो लिख लेंगे बैठे बैठे, और वीडियो अपलोड भी करनी है तो यहीं बैठ के वीडियो अपलोड भी कर देंगे। सारा सामान लेके चल रहा हूँ मैं अभी, तो फट से पहुँचते हैं लाइब्रेरी और काम शुरू करते हैं करना। क्लास में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था तो इसलिए मैं लाइब्रेरी आ चुका हूँ, और यहाँ में थोड़ा काम करते हैं, लैपटॉप वगैरह ऑन कर लिया है फटाक से, लोग वेट करते हैं और साथ साथ अपनी फाइल कंप्लीट करते हैं, फिर बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि सुबह से ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ तो मैं अच्छा लग रहा कि ब्लॉग अभी तक क्यों नहीं आया है, और मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग आ जाए एज सून एज पॉसिबल, इसलिए मैं फटाफट टाइम मैनेज कर रहा हूँ। तो क्योंकि बोला कि जो भी प्रैक्टिकल हो जाएगा मेरे को फोटो भेज देना व्हाट्सएप पे, तो मैं यहाँ बैठ के लिख लूँगा, और साथ में ब्लॉग एडिट भी हो जाएगा थोड़ा सा जो बाकी रह गया, और अपलोड भी कर दूँगा फटाफट। तो अभी लाइब्रेरी से जा रहा हूँ मैं नीचे, थोड़ा सा काम रह गया, प्रैक्टिकल फाइल ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, ब्लॉग मैंने अपडेट कर दिया है, डाल चुका हूँ ब्लॉग, जाकर देखो, थोड़ा सा प्यार बरसाओ, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई थॉट कि प्रैक्टिकल कम्प्लीट हो गया होगा मेरा, बट मेरा तो अभी तक हाफ ही हुआ है, तो अभी हाफ आवर लिखने जा रहा हूँ मैं लाइब्रेरी में, क्योंकि यह जाने का एडवांटेज एक ही है, नेटवर्क अच्छे आते हैं, अकाउंट डाउनलोडिंग कोई चीज़ें, और आराम से मैं काम करते रहो, क्योंकि फिर अभी एग्ज़ाम खत्म हो गया तो कुछ कुछ लिखने में मज़ा आता है। सो फाइनली आफ्टर लंच बोल रही हूँ। तो आज काम भी इतना ज़्यादा था कि हमें लंच करने का टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी हम आए हैं लंच करने, स्नैक्स के टाइम में लंच करने आया हूँ। और प्रज्ञा पूरे दिन ब्लॉग में एब्सेंट थी क्योंकि प्रज्ञा नीचे काम कर रही थी, और मैं ऊपर लाइब्रेरी में आ गया था क्योंकि मेरे को ब्लॉग अपलोड करना था, जब भी मैंने पूरा प्रैक्टिकल टाइम से कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड, और फिर तुमने छापा उसमें से,
प्रैक्टिकल होता है छापने के लिए यहाँ पे फील होता है। तो व्हाई यू लुकिंग एट हियर कि यहाँ पे क्या है? निलेश का फेवरेट बॉटल खाने की चोरी हो रही है। इस प्याज के बदले मैं रोटी लूंगा तुम्हारी एक। अब तो तुमने ले लिया ना, टच करा तुमने उसको। ना ना अब तो हो गया। सो फाइनली खाना आ चुका है और तो क्या मक्खी भी आ रही तुम्हारे मुंह पे। सो अभी जाके मैं थोड़ा सा सोऊंगा क्योंकि उसके बाद जिम भी जाना है अपने को। और आज हमारा कौन सा डे है? आज क्या करते हैं हम लोग जाकर जिम में? देखते तुम्हें याद है कि नहीं याद है। सो फर्स्ट डे इज अवर नेक्स्ट डे चेस्ट प्रेस। उसके बाद तो आज मेरी लाइफ में सोना था ही नहीं। मैं आने के बाद कुछ कॉल्स थे उनको अटेंड किया, बातें वगैरह करी, कम से कम 1.5 घंटा बातें हुई, बातें चली। उसके बाद फिर टाइम हो गया, अभी जिम जा रहा हूँ, अभी चाय पी है तो आज मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। और रात में मैं सोया था 4:30 बजे करीब। हाँ वो भी मेरे को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं व्लॉग एडिट करने के बाद फिर एक टाइम के बाद नींद चली जाती है, तो मेरे साथ वही हुआ था। सोचा था कि दोपहर में आके सो जाऊंगा, मुझे लगा था कॉलेज सुबह 11 बजे जाना होगा तो 2 बजे तक छोड़ देगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट 4:35 तक हम रूम पे वापस आए हैं। तो बट इस सब के बावजूद भी हम जिम जरूर जाएं। जाओ सरकार। और सरकार कैसे हो? बढ़िया बस, आपकी दया कर पाए। अरे नहीं महाराज, आपकी पहले। हाँ तो निलेश कुछ कह रहा था। सो मैं बता रहा था बहुत देर से कि आज का मैं वर्कआउट से पहले सबको समझाता हूँ कि आज के दिन हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। सो हाउ वी कैन डू इट। तो मैं बता रहा था कि आज सबसे पहले चेस्ट करनी है, चेस्ट प्रेस में कौन कौन से करनी है, 2 एक्सरसाइज करनी है चेस्ट प्रेस और इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। देन उसके बाद हमें करना है जो स्मिथ मशीन होती है उस पर, ये वाला तो क्या बोलते हैं मैं भूल गया। उसके बाद हमको शोल्डर्स भी मारने हैं, शोल्डर्स में फ्रंट हेड बैक हेड दोनों शोल्डर्स करने हैं। फिर आज ट्रैप्स भी मारने हैं। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा ही हेक्टिक होगा और बढ़िया भी होगा। तो मैं पहले से प्रिपेयर करता हूँ अपने माइंड को और सामने वाले को भी, जैसे प्रज्ञा जो है कि वो पता रहे कि हमें क्या क्या करना है। तो वी कैन डू इट इन अ नाइस। पहले ये मेरा रूम हुआ करता था, ये वाला सोचो, मैं यहाँ से पूरा ये सारा नजारा देख पाती थी। यहाँ की वो होती थी, वो होती ना मौसी जो हर चीज जानती है क्या चल रहा है कॉलेज में। ये हमारा मॉल है, ये कॉफी हाउस है। सो फाइनली हम जिम पहुंच गए हैं। तो फाइनली जिम से आ चुका हूँ मैं और बढ़िया रहा जिम। बट ड्यू टू ज्यादा लोग, क्योंकि पूरा कॉलेज ही मतलब शाम के टाइम ज्यादा लोग आते हैं, तो प्रॉब्लम मेरी यही रहती है कि मैं मतलब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भीड़ ज्यादा होती है और फिर सेट जो है वो लंबा हो जाता है तो एक्सरसाइज कम हो पाती है। तो शोल्डर नहीं हो पाया, सिर्फ मैंने चेस्ट और ट्राइसेप ही कर पाया आज मैं। शोल्डर जो है वो अगला सेशन जब आएगा, अगला सेशन आएगा इसका थर्सडे फ्राइडे को। हाँ फ्राइडे को आएगा अगला सेशन, तो उस दिन मैं शोल्डर ज्यादा अच्छे से करूंगा और चेस्ट थोड़ा कम करूंगा। तो ये रहा, बाकी चेस्ट का अच्छा था आज मैंने चेस्ट 12.5, लास्ट मैंने 12.5 से मैंने 2 सेट किए क्योंकि मैं अपने आप को चेक करता था कि कितना होता है। मैंने स्टार्टिंग किया 7 से, फिर देन 10, फिर देन उसके बाद 12.5 से 2 सेट, मतलब 2 बार से। और मैंने अपने रेपिटेशन थोड़ा बढ़ा दिए हैं। अब मैं पहले करता था 8, अब मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ 10 तक करूँ। 10 तक अगर नहीं होता है तो फिर उसी सेट को दोबारा लगा लेता हूँ मैं। अच्छा रहा ओवरऑल वर्कआउट। तो इस व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सायोनारा। और कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। और बता दो कमेंट में गाइस कि कैसा लग रहा है ये सारा न्यू सेटअप। बहुत मेहनत लगी इसको करने में, अभी शीशा भी लगा नहीं है, उसको भी लगाने की तैयारी है, सारा काम कैसे करें। और कल कहीं जाना नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अच्छे से सो पाऊंगा, थोड़ी नींद मेरी पूरी हो पाएगी। तो बाय गाइस।